हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयंती और स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं वैलेंटाइन्स डे स्पेशल मिनी पिज्जा हार्ट्स। आज मैंने इसे बिना ओवन के और बिना कोई ईस्ट यूज किए बनाया है। साथ ही आज के मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हार्ट शेप पिज्जा बिना कोई हार्ट शेप कटर यूज किए भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम पिज्जा बेस बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें ये आधा बड़ा चम्मच नमक, आधा बड़ा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। हम यहाँ पे ईस्ट नहीं यूज कर रहे, इसलिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें दोनों ही यूज करना है ताकि पिज्जा बनाने के बाद उसका बेस थोड़ा फूले और वो हार्ड और च्यूई ना बने। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ये आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही अगर थोड़ा सा 2-3 दिन पुराना हो गया है तो इस रेसिपी के लिए ये इवन बेटर है, क्योंकि ये भी फिर ईस्ट के जैसा काम करेगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ से अच्छे से गूंथना है हमें। गूंथने के लिए मैं यहाँ पे हल्के गुनगुने दूध का यूज कर रही हूँ। इससे पिज्जा का जो बेस है वो और भी सॉफ्ट बनेगा। आप चाहे तो इसकी जगह गुनगुने पानी का भी यूज कर सकते हैं। इसका हमें यहाँ पे एक नरम डो तैयार करना है। इसे स्ट्रेच करते हुए अच्छे से लगभग 7-8 मिनट तक मैंने गूंथ लिया है। इसे गूंथने में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही डो से ग्लूटेन रिलीज होगा और यही ग्लूटेन पिज्जा बेस का जो टेक्सचर होता है उसे लाने में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में हम इसमें ये 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके साइड में भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि डो फूलने के बाद चिपके ना। अब इसे क्लिंग रैप से कवर करके किसी हल्के गर्म जगह में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ध्यान रहे इसे डायरेक्ट धूप पे नहीं रखना है। आप चाहे तो इसे हल्के प्री हीटेड ओवन में भी रख सकते हैं। ये देखिए 3 घंटा हो गया है। अब इसे खोल के देख लेते हैं। ये काफी अब फूल गया है। ईस्ट जैसा नहीं फूला है बट इसमें फिर भी काफी बाउंसीनेस आ गया है। अब इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे ताकि इसके अंदर का जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। आप चाहे तो इसे ऐसे कोई भी फ्लैट सरफेस या किसी बड़े प्लेट में रख लें। फिर इसे स्ट्रेच करते हुए एक बार अच्छे से गूंथ लें। ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसे फिर से ऐसे अंदर की तरफ टक करते हुए स्मूथ कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब इस डो में कितना बाउंसीनेस आ गया है। ये देखिए जब मैं ऐसे फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ दबा रही हूँ ये फिर से वापस आ जा रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए। अब हम इसे एक बॉल के साइज का पोर्शन काट लेंगे। फिर इसे ऐसे हथेली में घुमाकर स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए इस साइज का हमें एक पोर्शन लेना है और ये बाकी का पोर्शन एक साफ पीले कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि ये सूख ना जाए। चलिए अब इसे बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेलने के लिए थोड़ा मैदा लिया है। इसे बेलने के लिए ट्रेडिशनली मेज फ्लावर यानी मक्के के आटे का यूज किया जाता है, पर वो सबके घर में इजीली नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल मैदे का ही यूज कर रही हूँ। ये चकले पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब इसे थोड़ा मोटा बेल लेंगे। ये हो गया है। अब हम इसे हार्ट शेप देंगे। इसके लिए अगर आपके पास ऐसे हार्ट शेप का कोई कुकी कटर है तो आप उससे ऐसे सर्कुलर मोशन में प्रेस करते हुए काट लें। ये देखिए ये मैंने ऐसे काट लिया है। और अगर आपके पास ऐसा हार्ट शेप कटर नहीं है तो भी आप बिना कटर के इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे कोई भी स्टील की कटोरी ले सकते हैं। इसको ऐसे प्रेस करेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इतना थिक बेस बनाया है। अब इस पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे ताकि ये चिपके ना। फिर इसे सेंटर से हाफ फोल्ड कर देंगे और इसे ऐसे किसी पिज्जा कटर या नाइफ से ऐसे काट लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पोर्शन अब डिस्कार्ड कर देते हैं। ये हो गया है। अब इसे खोल के चेक कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट हार्ट शेप का पिज्जा बेस बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 10 हार्ट शेप के पिज्जा बेस तैयार कर लिए हैं। इसे ऐसे ही थोड़े बड़े, फिर मीडियम और फिर थोड़े और छोटे हार्ट शेप में तैयार करें। ये दिखने में और भी अच्छे लगेंगे। अब इस पर हम ऐसे एक फोक से फ्लिप कर देंगे। इसे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पिज्जा बेस बेक होने के बाद रोटी की तरह फूल ना जाए। अब हम इसे बेक करने की तैयारी कर लेते हैं और वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। इसके लिए हम यहाँ पे एक डीप बॉटम वाला कढ़ाई लेंगे। इसके ऊपर ये लगभग 2 कप नमक फैला देंगे और फिर ऐसे ये 2-3 इंच हाइट वाला एक स्टील की कटोरी लेंगे और इसके सेंटर में ऐसे रख देंगे। इसे ऐसे ढककर 10 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम में प्री हीट कर लेंगे और तब तक हम पिज्जा के लिए टॉपिंग्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड बेल पेपर्स का एक एक टुकड़ा ले लिया है। अब इसे ऐसे नाइफ की मदद से हार्ट शेप में काट लेंगे और हमेशा की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से नोट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, या अगर आपके पास हार्ट शेप का कोई कुकी कटर है तो आप उसके सबसे छोटे साइज वाले कटर से भी ऐसे काट सकते हैं। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। और हाँ, पिज्जा की तरह ही हमें यहाँ पे भी 3 साइज में ही वेल पेपर्स के हार्ट्स बनाने हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये कुछ ऑलिव्स, 20 से 1/2 किए हुए चेरी टोमेटोस और एलेपिनोस ले लिए हैं। अब इसमें सबसे पहला लेयर हम ये चीज स्प्रेड कर देंगे, इससे एक क्रीमी टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह थोड़ा सा मेयोनीज या चीज स्लाइसेस भी काटकर इसमें दे सकते हैं। ध्यान रहे इसे हमें थोड़ा सा साइड से छोड़कर ही लगाना है क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ा और बाहर की तरफ फैल जाएगा। ये हो गया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ये पिज्जा सॉस स्प्रेड कर देंगे। ये भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। ये देखिए मैंने ऐसे सारे पीसेस में लगा लिए हैं। फिर इसके ऊपर ये ग्रेटेड पिज्जा चीज यानी मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। ये हो गया है। फिर इसे हम अपने तैयार किए हुए हार्ट शेप के बेल पेपर्स, ऑलिव्स, एलेपिनोस और चेरी टोमेटो से सजा देंगे। ये देखिए हमारे ये क्यूट से मिनी पिज्जा हार्ट बेक करने के लिए अब रेडी हो गया है। बस लास्ट में ये थोड़ा सा हम मेल्टेड बटर इसके साइड्स में ब्रश कर देंगे ताकि बेक होने के बाद इसके साइड्स हार्ड ना बन जाए। ऊपर से थोड़ा और ग्रेटेड चीज डाल देंगे। ये देखिए ये हो गया है और ये दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब ऐसे एक स्टील का प्लेट ले लेंगे जो कढ़ाई में फिट हो जाए। इसे भी मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन है तो आप इसकी जगह उसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने ये पिज्जा हार्ट्स को रख दिया है और अब ये 10 मिनट भी हो गया है। कढ़ाई भी हमारा बहुत अच्छे से अब गर्म हो गया है। इसे खोल लेते हैं और अब इस कटोरी के ऊपर इस प्लेट को बहुत ही सावधानी से रख देंगे और इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सबका फ्लेम अलग अलग होता है, इसलिए आप 7-8 मिनट बाद इसे एक बार खोलकर चेक कर लें। 8 मिनट हो गया है, अब इसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वाओ, ये देखिए दिखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, ये कितने फूल भी गए हैं। अब इसके ऊपर से हम ये पिज्जा सीजनिंग और ये चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और इसे फिर से ढककर 2 मिनट और बेक कर लेंगे ताकि सीजनिंग का सारा फ्लेवर्स इसमें अच्छे से चला जाए। 2 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया था और ये देखिए ऐसा नहीं है कि बस ये ऊपर से ही अच्छा लग रहा है, इसके नीचे का बेस भी बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी ये वैलेंटाइन डे स्पेशल मिनी पिज्जा हार्ट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दबाए बेल आइकन को, जिससे मेरी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे।